Welcome to my channel. चलिए आज बनाते हैं एक चाइनीज़ डिश जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी सोयाबीन। तो सबसे पहले हमें यहाँ सोयाबीन को भिगो देना है। इसके लिए हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हमने डाला है थोड़ा सा नमक। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं सोयाबीन। इसको हम सॉफ्ट होने तक भिगा देंगे। तो यहाँ पर मंचूरियन बनाने के लिए हमने एक शिमला मिर्च लिया है, आधी गाजर है, एक प्याज है, दो लहसुन, थोड़ा सा अदरक, एक हरी मिर्च। तो अभी आप देख सकते हैं सारी सब्जियों को हमने बारीक कट कर लिया है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को हम मोटा मोटा कूट लेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को आप काट के डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने कूट लिया है। सोयाबीन हमारा अच्छे से भीग चुका है, इसका सारा पानी हम निकाल देते हैं। इसको निचोड़ देंगे अच्छे से। सोयाबीन को हमने एक से दो बार धो लिया है, इसका पानी हमने अच्छे से निकाल दिया है। इसको हम एक थाली में पलट लेते हैं। सोयाबीन के अंदर हम डालेंगे दो छोटा चम्मच मैदा, दो छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा गरम मसाला। अभी इसके अंदर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर से कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे, लगभग आधा छोटा चम्मच। अभी हम इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच तक सोया सॉस। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सोयाबीन को हमने अच्छे से कोट कर दिया है। अब हम कढ़ाई गरम कर लेते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग दो छोटे चम्मच तक तेल डाला है। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा तेल सोख लेगा, तो हम यहाँ पर बहुत कम तेल डाल रहे हैं। तो अभी इसको हम धीमी आँच पर फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल क्रिस्प करना है हमें। ये धीमी आँच पर सेकते सेकते अच्छे से करारे हो जाएंगे, तो डीप फ्राई करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती। ये काफ़ी हेल्दी बन जाएगा इस तरह से। तो सोयाबीन को हम लगातार चलाते रहेंगे, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी हम आँच धीमी कर देते हैं, तब तक हम अपना सॉस तैयार करेंगे और ये अच्छे से क्रिस्प भी होता रहेगा धीमी आँच पर। तो यहाँ पर सॉस बनाने के लिए हमने लिया है आधा छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। अगर आपके पास रेड चिली सॉस हो तो आप डाल सकते हो। थोड़ा सा सोया सॉस, लगभग एक चम्मच तक टोमेटो केचप, एक चम्मच तक कॉर्नफ्लोर है। तो सारी चीज़ों को हम एक साथ डाल देते हैं एक बॉल में। तो साथ ही हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच तक चीनी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच तक नमक डालेंगे। तो इसके अंदर अभी हम पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कढ़ाई गरम कर लिया है। इसमें हमने तेल डाला है लगभग दो चम्मच तक। इसमें हम प्याज डाल देते हैं। इसको हमें अच्छे से चला लेना है। बिल्कुल हमें ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना है। तो ये आप देख सकते हैं प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। साथ ही डाल देंगे हम बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। तो अभी सब्जियों को हम थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। बस एक से दो मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। अभी इसके अंदर हम डाल देंगे अपना अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने कूट के रखा है, उसको भी हम थोड़ी देर डालकर फ्राई कर लेंगे। तो सब्जियों को यहाँ पर हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपना आरा रोड वाला घोल डाल देते हैं। इसको हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और 4 से 5 मिनट तक हम पानी को अच्छे से पका लेंगे।
पे अच्छे से सॉस हमारी पक चुकी है, इसके अंदर हम सोयाबीन डाल देते हैं और इसे भी 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है, ये लगभग पक चुकी है। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमारी सोया मंचूरियन कैसी लगी आपको रेसिपी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट।